देवता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है। जितने भी देश हैं पूरे विश्व के सब बैलेट पेपर से ही चुनाव कर रहे हैं। लगातार कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार ऐसी जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई न्योता नहीं मिला है। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देश की तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों को भेजा गया है, जिसमें अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान जब बुलाते हैं तब जाया जाता है। आने वाले समय में हम सब पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। मैंने शंकराचार्य जी का बयान सुना था, उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है और पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने। मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। उसका बयान सुना था और उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है जी। पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है जी। इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने। अधिवक्ताओं द्वारा ईवीएम हटाए जाने के विरोध को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि विश्व की जितनी भी कंट्री है वहाँ सभी जगह ईवीएम से चुनाव होती थी, वे सभी देश बैलेट पेपर पर आ गए हैं। विश्व के जितने भी देश हैं वे सब बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। विश्व की जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं वहाँ सभी जगह ईवीएम जहाँ चुनाव होते थे वो वापस बैलेट पेपर में आ गए हैं। जितने भी देश हैं पूरे विश्व के सब बैलेट पेपर से ही चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। सरकार द्वारा 16 साल की बच्चियों को कोचिंग सेंटरों में ना पढ़ने पर डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझती हूं कि सरकार को आंकड़े देखने चाहिए। 2022 के जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितनी उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश के गाँव में कितने अवैध कब्जे हो रहे हैं। मैं समझती हूँ सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सरकार को आंकड़े देखने चाहिए जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं 2022 के कि लगातार कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार ऐसी जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। और अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कब्जे हो रहे हैं जमीनों में। तो मैं समझती हूँ सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान कर। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें कोई निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें निमंत्रण भेजा गया तो उसकी रसीद उन्हें दिखा दी जाए ताकि ये पता चल सके कि निमंत्रण सही पते पर ही भेजा गया है या नहीं।